हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईयर एंड के किचन। फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन सेलिब्रेशन है, तो इसीलिए रक्षाबंधन में आप अपने भाइयों को खुद अपने हाथ से मिठाई बनाकर खिलाइए और राखी बांधिए। और बहुत अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बर्फी। फ्रेंड्स, बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध ले लिया है। फ्रेंड्स, दूध को हम गर्म करने के लिए रख दे रहे हैं और इस दूध को, ये 2 लीटर दूध है, इस दूध को रिड्यूस करना है। आगे की प्रोसेस में बता रही हूँ, अभी दूध को बॉयल आने दीजिए। फ्रेंड्स, ये 2 लीटर दूध है और मैं इसे गर्म करने के लिए रख रही हूँ, उसके बाद हमको दूध को रिड्यूस करना है। फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये दूध बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें 200 ग्राम, मेजरमेंट से 200 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। और शुगर ऐड करके हमको लगातार चलाना है और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर घोल लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इस मेजरमेंट से लिया है। आप जो केक का मेजरमेंट लेते हैं टेबल स्पून, तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर घोल लिया है। और घोल के फिर मैं, घोल के ही डालना चाहिए कॉर्नफ्लोर, क्योंकि गर्म गर्म में हम डालेंगे तो उसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। इसके लिए हमको कभी भी कॉर्नफ्लोर घोल के डालना चाहिए। तो मैंने घोल के और डाला है, इसमें घोल दिया है। अब इसमें ऐड करती हूँ। और हम अब हम इसको लगातार चलाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये मिल्क रिड्यूस हो गया है। अभी इसको और भी रिड्यूस करना है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए कितना थिक हो गया है। देखिए अभी इसे और भी रिड्यूस करना है। फ्रेंड्स, देखिए कितना रिड्यूस हो गया है। अभी 10 मिनट और लगेगा। इस पॉइंट पे मैं देसी घी, 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ा और सॉफ्ट भी बनेगा। इसके लिए मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है और अब ये 10 मिनट में हो जाएगा। देखिए ये घी भी इसमें मिक्स हो गया है। फ्रेंड्स, देखिए घी इसमें एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे और 5 मिनट लगेगा। देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, इसे और भी 5 मिनट लगेगा। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा हो गया है। देखिए ये कैसे हो गया। अब एक पास आ जा रहा है, तब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि इसमें शक्कर भी है तो थोड़ा मेल्ट होता ही रहेगा। अगर जब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, ऑफ करके ठंडा करेंगे, तब जाके ये इसकी बाइंडिंग हो जाएगी अच्छी तरह से। और मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करूंगी। फ्रेंड्स, बर्फी जमाने के लिए मैंने ऐसा रेक्टेंगल सा एक डिश ले लिया है, आप किसी भी डिश में जमा सकते हैं। अब मैं इसमें बटर पेपर रख के बर्फी को इसमें सेट करूंगी, बटर पेपर रख के। फ्रेंड, देखिए हमने इसको पूरा स्प्रेड कर दिया है और अब इसको 4 से 5 घंटा सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद निकाल के हम इसको, इसकी पीसेस करेंगे। फ्रेंड्स, ये बर्फी हमारी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ 4 से 5 घंटे के लिए। और मैंने इस पे चांदी का वर्क नहीं लगाया है, लेकिन आप इस पे चाहिए, अगर आपको चाहिए चांदी का वर्क तो आप इस पे लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा बर्फी सेट हो गया है। देखिए मैंने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी प्लेटिंग हो गई है। देखिए कितना अच्छा मार्केट जैसा चिकनी चिकनी बर्फी रेडी हुई है। देखिए बहुत चिकना है, इसमें कोई भी दाना नहीं है।
और बहुत मार्केट में जैसे मिलता है वैसी ये बर्फी रेडी हुई है। तो आप भी ट्राई कीजिए और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।